नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोगेंद्र ज्ञान में आप सब लोग का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले कोई भी नया वीडियो बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों, जैसा कि हमारा थंबनेल देखकर आप जान चुके होंगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो आज के इस युग के अंदर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हम आज टेक्निकल एक्सपर्ट आपके सामने में किस कंपनी का और किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले सकते हैं, क्या आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आपसे सवाल पूछिए कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए और किस पर्पज के चाहिए। अगर आप नहीं पूछते हैं तो एक अच्छा लैपटॉप नहीं ले पाएंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि लैपटॉप लेना है, आपने पूछ लिया अपने आप से आपने किस कंपनी का लैपटॉप लेना है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे कि क्या बेस लैपटॉप ले। तो दोस्तों बता दो, कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सीपीयू, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंसान के शरीर के दिमाग इतना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सीपीयू के लेने में हेरफेर किया तो आप एक अच्छा लैपटॉप एक अच्छा कंप्यूटर नहीं ले पाएंगे। मार्केट में दो तरीके के सीपीयू अवेलेबल हैं, एक होता है एएमडी और एक अवेलेबल है इंटेल कंपनी का। पूरे इंडिया के अंदर 90% लोग इंटेल कंपनी का प्रोसेसर यूज करते हैं, 10% लोग लगभग एएमडी का यूज करते हैं। एएमडी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन माइक्रो डिवाइस और इंटेल एक कंपनी खुद है। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं इंटेल के बारे में कि अगर इंटेल बेस्ड आपको लैपटॉप और कंप्यूटर लेना है तो आज इंटेल में क्या होता है। आज इंटेल के अंदर तीन कैटेगरी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, एक पहला Corei3, दूसरा Corei5 और तीसरा है Corei7। किस सेगमेंट के लिए आपको लैपटॉप लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर के अंदर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं कि जो कि YouTube यूज कर सके, इंटरनेट सर्फिंग यूज सकते, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर काम कर सकते, मूवी देख सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Corei3 ले सकते हैं। Corei3 को डोल कोर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दो कोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जैसे मैं इंसान हूं, मुझे कुछ काम करना है तो मेरे पास में दो हाथ है। अगर एक हाथ होता तो मात्र मैं इसी हाथ से काम करता फिर दोबारा काम करता, मेरे दो हाथ है, एक हाथ से ये काम करता हूं एक हाथ से ये काम करता हूं, इसको कहते हैं डुअल कोर। वैसे कंप्यूटर के अंदर Corei3 के अंदर एक साथ में अगर डुअल कोर होंगे तो एक साथ दो काम कर सकते हैं, जैसे कि आप एक साथ में गाना सुन सकते हैं और फिर वर्ड एक्सेल की काम करेंगे तो कंप्यूटर आपका स्लो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो Corei3 का मतलब होता है ये। बात करता हूं फिर Corei5 के बारे में, इसको क्वाड कोर भी कह सकते हैं। इसके अंदर चार कोर होते हैं, जैसे कि चार हाथ हो गए, एक साथ में चार काम कर सकता है। नॉर्मली Corei5 जो होता है, जो ऑटो कैट पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग काम करते हैं, कुछ गेमिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो Corei5 प्रिफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है Corei7। ये हाई एंड कंप्यूटर लैपटॉप होता है, ये नॉर्मल जीवन में और नॉर्मल चीजों के लिए Corei7 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ हैवी ड्यूटी काम करना है आपको तो आप Corei7 प्रिफर कर सकते हैं, ये महंगा आता है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा जनरेशन की। अगर आप लैपटॉप ले जाएंगे, दुकानदार हो गया, किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे किस जनरेशन का आप कंप्यूटर ले रहे हैं, तो Corei3, Corei5, Corei7 सबके अंदर जनरेशन होता है। तो दोस्तों जनरेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरेशन ये होता है, जैसे Corei3 बना हुआ तो उसके बाद इंटेल बार बार जो है पता करते रहते नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। जब इंटेल कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है उसको फिर जनरेशन के नाम पे चेंज कर देते हैं। जैसे Corei3 के अंदर पहले थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ जनरेशन, सिक्स सेवन करते करते इस समय लेटेस्ट 9 जनरेशन चल रहा है। जनरेशन ये होता है कि जो सीपीयू होता है हमारा, उस सीपीयू के अंदर जो टेंशन लगे होते हैं उस टेंशन के ऊपर खोज चल रहा है बार बार, जब नया खोज आता है जितना छोटा जो आपका टेंशन होगा, जितने एमएम का टेंशन हो जाएगा उसके ऊपर जो है ये जनरेशन नाम देते हैं। तो इस समय मार्केट के अंदर Corei3 के अंदर 9 जनरेशन हो रहा है और इजिली आपको 8 जनरेशन मिल जाएगा। तो अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं Corei3 के अंदर, तो जनरेशन ध्यान दीजिएगा कि लेटेस्ट जनरेशन लेने का हमेशा प्रयास करें। सेम चीज ये होता है Corei5 के अंदर भी और सेम चीज होता है Corei7 के अंदर। तो प्रोसेसर के साथ में जनरेशन पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। सेकेंड नंबर पे आता है रैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैपटॉप का कंप्यूटर के अंदर। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर ये कम होगा तो आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। अगर आप Corei3 का लैपटॉप लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो 4GB का रैम अगर इस लैपटॉप के अंदर है तो ये ठीक ठाक है, आप घर के काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर रैम बहुत कम होगा तो हो सके आपका कंप्यूटर स्लो चले, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो चले, आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो अगर Corei3 ले रहे हैं तो 4GB रैम के साथ में जा सकते हैं, और चाहते हैं अगर 8GB तो 8GB जा सकते हैं Corei3 के साथ में। दूसरे नंबर पे आता है Corei5, जिसके अंदर जो है क्वाड कोर कह सकते हैं, इसमें चार कोर होते हैं। इसके साथ में नॉर्मली अगर लैपटॉप या कंप्यूटर ले आते हैं तो दुकानदार और जो शॉपकीपर होते हैं रिकमेंड करते हैं इसके साथ में आप लगभग 8GB का रैम ले सकें। 8GB रैम लेंगे या 16GB ले सकते हैं तो आपका काम करने में आसानी हो जाएगा, फिर आपको जो है सॉलिड काम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है Corei7।
कोराई 7 दोस्तों अगर ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आपके पास 8GB या 16GB का रैम होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाएगा। अगर इससे कम रैम अगर होगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि कम से कम कोराई 7 के अंदर 8GB रैम या तो 16GB के साथ में आप लैपटॉप खरीदें। फिर थर्ड नंबर पे आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपका डेटा इसी में सेव होता है। दो तरीके का हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है, एक होता है HDD और दूसरा होता है SSD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो लगभग 1960 से चला आ रहा है, और बाद में SSD जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। एप्पल के जितने लैपटॉप आते हैं उसके अंदर सब में SSD लगा होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग तेज होती है, इसका पावर कंजप्शन कम होता है। तो आप जान चुके हैं HDD के बारे में, आप जान चुके हैं SSD के बारे में। अगर आज के डेट में आप लैपटॉप कंप्यूटर लेने जाते हैं, लैपटॉप बेसिकली लेने आते हैं मार्केट के अंदर, दुकानदार आपसे कहता है कि सर इसके अंदर 4GB रैम लगा हुआ है और Corei5 मशीन है, और इसके बाद जो है इसके अंदर 128GB का SSD है और 1TB का हार्ड डिस्क है। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए 8GB का रैम है, Corei5 है और 1TB का हार्ड डिस्क, और साथ में 128GB का SSD लगा। इसका साफ मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को बूट कराने के लिए SSD लगा हुआ है, उसके बाद डेटा सेव करने के लिए आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर हार्ड लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो SSD के साथ अगर लैपटॉप लेते हैं तो आपका कंप्यूटर का स्पीड जो रहेगा थोड़ा सा तेज रहेगा कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के साथ लेने से। चौथे नंबर पे आता है स्क्रीन। स्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट होता है जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप लेने आते हैं Corei3 का, तो HD आपको स्क्रीन मिल जाएगा, इसमें 720 पिक्सल के टाइप होते हैं। उसके बाद आते हैं अगर फुल HD के साथ में 1080 टाइप के आपको पिक्सल मिल जाएंगे, और ये दो तरीके के आप ले सकते हैं। अगर Corei3 लेते हैं तो HD से काम चल जाएगा, अगर आप हाई फीचर काम करना चाहते हैं तो आप फुल HD ले सकते हैं। तो पहला CPU, दूसरा RAM, तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा स्क्रीन, और उसके लास्ट में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एक अच्छे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में लेने जाएंगे तो आज के डेट में DOS बेस, लिनक्स बेस और विंडोज बेस में कंप्यूटर मिलते हैं। आपने Corei3 पसंद कर लिया, आपने रैम पसंद कर लिया, आपने हार्ड डिस्क पसंद कर लिया, फिर उसके बाद आपको आता है कि कौन सी मशीन का आप बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं। आज के अंदर लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है विंडोज 10 के बारे में। अगर आज के 9th जनरेशन i3 के साथ में अगर आप लैपटॉप लेते हैं और साथ में इसके ऊपर विंडोज 7 लोड हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये भी कंफर्म कर ले दुकानदार से कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना चाहते हैं। नॉर्मली मार्केट के अंदर DOS बेस भी है, मार्केट के अंदर लिनक्स बेस भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में है। अगर एक नॉर्मल लैपटॉप लेते हैं जिसमें विंडोज नहीं लोडेड है तो उसका रेट थोड़ा कम होगा, जिसमें विंडोज लोडेड है उस लैपटॉप का रेट थोड़ा सा इसके मुकाबले ज्यादा होगा। तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि DOS आपको लेना है। DOS ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री होता है। तो आप चाहे तो आप ले सकते हैं विंडोज के साथ में, नहीं चाहते हैं तो बाद में आप दुकानदार से करके विंडोज को है कि अलग ले सकते हैं उसको, तो आप दुकानदार से बात करेंगे, दुकानदार आपको इसके लिए गाइड कर देगा। दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि एक लैपटॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर क्षेत्र में काम करता हूं, कंप्यूटर के बारे में लैपटॉप मुझे आइडिया है, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं, बताना चाहता था कि आप किस कंपनी का लैपटॉप लीजिए और किस कंपनी का लैपटॉप लीजिए। तीसरे नंबर लास्ट में जाते बता दूं आपको मैं कि आपके मन में भी आता होगा कि आप किस कंपनी का लैपटॉप ले ले। तो अगर लैपटॉप लेने के बाद में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आपको लैपटॉप खरीदने के बाद सर्विस नहीं मिलता है तो आपके लिए वो जद्दोजहद हो जाएगा, आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। तो अगर लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो दुकानदार से पूछिए, उस एरिया के टेक्नीशियन से पूछिए कि ये बताइए कि भैया इसका सर्विस सेंटर कहाँ है। तो जो लैपटॉप लेते हैं उसका सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में है, आपके अगर एरिया के अंदर है, तो मैं तो कहूंगा कि आप उसी कंपनी का लैपटॉप लीजिए। तो आज दो कंपनी का मैं रिव्यू करता हूं, दो कंपनी के बारे में मैं बात करता हूं। अगर मुझे लैपटॉप लेना होगा तो मैं HP कंपनी का और डेल कंपनी का लैपटॉप लूंगा, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया बेस्ड में है और बड़ी कंपनी है, आपको इसकी सर्विस मिल जाती है इजिली। तो आप प्रेफर करिए, और मैं सोचता हूं कि ये वीडियो आपके लाभदायक होगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आप इसकी वीडियो को देखेंगे, हो सके आपको अच्छा आइडिया मिल जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लैपटॉप खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर बटन में जाकर शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता दीजिए कि वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना आपके लिए लाभकारी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो आपके सामने हम लेते आएंगे। और घंटी वाले बटन पे पक्का दबा दीजिए बटन, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो बनाते हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।